हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार। आज हम दम आलू बनाने चल रहे हैं लगभग 8-10 लोग के लिए। ये हमने 1 किलो आलू लिया है और इसको हम छील लिए हैं। अब इसको हम काटेंगे। ये आलू हमने बॉयल करके छील लिया है, अब इसको हम काटने चल रहे हैं। ये आलू हम इस तरह काट रहे हैं, पूरा देख लीजिए। उसके बाद हम इसका अच्छे से दम आलू तैयार करते हैं। ये हमारी कढ़ाई गर्म हो गई है, इसमें हम सरसों का तेल डाल रहे हैं। तेल थोड़ा गर्म हो जाए तब हम जीरा डालेंगे। ये हम लिए हैं अदरक है, लहसुन मिर्चा कूट लिए हैं। ये हमारा तेल गरम हो गया, इसमें हम जीरा डाल रहे हैं। इसमें हम अदरक लहसुन मिर्चा डालेंगे। इसको हम थोड़ा सा चलाएंगे। ये हमारा प्याज जो है ब्राउन हो गया है, इसमें हम एक चुटकी तक हींग डाल दे रहे हैं। हींग डालने से इसका थोड़ा स्वाद चेंज हो जाएगा। अब इसमें हम आलू डाल रहे हैं। आलू को इस तरह मिलाएंगे। इसमें हम दम आलू मसाला डाल रहे हैं। इसको हम चला दें। इसमें हम मसाले को मिला दिए हैं अच्छे से। इसको थोड़ा हम ढक देंगे, मसाला पक जाए तब हम इसमें पानी डाल रहे हैं। हम इसमें हम 1 चम्मच अमचूर पाउडर ये निकाल लिए हैं, इसको मिला रहे हैं। इसको मिला लेते हैं, उसके बाद हम पानी डालेंगे क्योंकि ये पकड़ रहा है नीचे से। इसमें पानी डाल रहे हैं, थोड़ा पानी और डालेंगे क्योंकि भी ये पकेगा। इसमें हम नमक डाल रहे हैं स्वाद अनुसार। इसको ढक देते हैं, अच्छी तरीके से पक जाए तब पुदीना या धनिया मिला सकते हैं ऊपर से। ये हमारा दम आलू पक गया है, हल्का सा पानी है लेकिन अभी उतारने पर सूख जाएगा। इसमें हम धनिया डालने चल रहे हैं। आप धनिया या पुदीना कोई भी चीज़ डाल सकते हैं। ये हमारा धनिया डल गया है। हाँ फ्रेंड्स, ये हमारा दम आलू बन के रेडी है। और मेरा तरीका अगर पसंद आया हो तो आप भी मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिए प्लीज़ दोस्तों। धन्यवाद।